वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और इस वीडियो के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैंने अर्बैनिक दोबारा से ट्राई किया है। सो इट इज गोना बी अ अर्बैनिक हॉल। तो 2 साल पहले जो मैंने अर्बैनिक की वीडियो डाली थी ना वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। वो अर्बैनिक हॉल थोड़ा छोटा था, ये वाला अर्बैनिक हॉल काफी बड़ा होने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कितना बड़ा डब्बा आया है अर्बैनिक से। ये हमारा अर्बैनिक का डब्बा है जो आज हम रिव्यू करेंगे। तो मेरी बेसिकली मिक्स फीलिंग्स है क्योंकि 2 साल बाद मैंने अर्बैनिक ट्राई किया है दोबारा से, तो मेरे पास काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सो अगर आपको देखना है कि मैंने अर्बैनिक से क्या क्या शॉपिंग करी है और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सबसे पहले क्लोथिंग आइटम से। और मैंने ट्राई किया है कि मैं हर कैटेगरी से शॉप करूं, बट आई थिंक 2-3 कैटेगरी मेरी रह गई है। बट कोई बात नहीं, अर्बैनिक तो काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है आजकल, आगे भी हॉल्स आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रेस से शुरू करते हैं क्योंकि एक ही ड्रेस मैंने मंगाई थी वहाँ से, आई गेस, क्योंकि मुझे और याद नहीं है, मैंने एक ही ड्रेस मंगाई थी। सो ये वाली ड्रेस मुझे रिसीव हुई है एंड इट इज़ अ रियली नाइस कलर। ये कलर का मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है, सो इस वजह से मैंने ये कलर ट्राई किया है एंड इट लुक्ड रियली नाइस ऑन मी। आप वीडियो में देख ही सकते हो, ड्रेस मुझे काफ़ी यूनिक लगी, प्लस ये आगे से ओपन है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो लाइक साइज वगैरह। और ये ना रैप अराउंड ड्रेस है, इसके साइड में ऐसा एक छोटा सा स्पेस दे रखा है जहाँ से आप दूसरी साइड की बेल्ट निकाल सकते हो और फिर देन यू कैन टाई इट। तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आएगी, मतलब इसमें रूम है अगर आपका साइज थोड़ा सा बड़ा भी है। अरे कपड़े मीडियम साइज में ऑर्डर किए हैं, सो अगर आपको बड़ा या छोटा भी रहता है ना थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है यार, साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो या दिस वॉज द फर्स्ट ड्रेस। जितने भी प्राइसेस है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे विद द स्क्रीनशॉट ऑफ द ड्रेस कि ये कैसी लग रही थी अर्बैनिक की ऐप पे। आपको ड्रेसेस का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे इन ड्रेसेस के। नेक्स्ट मैंने वहां से एक डेनिम भी ट्राई करी है, सो ये वाली डेनिम है कि जिसमें येलो डिटेलिंग दे रखी है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये काफी यूनिक लगती है इस डिटेलिंग की वजह से, लाइक ये येलो थ्रेड्स आर लुकिंग सो नाइस। पहन के भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा डिसेंट है, लाइक माय हाइट इज 5'8" और ये मेरे को एकदम फुल परफेक्ट आ रही थी, मतलब मेरे को ज्यादा लंबी नहीं जा रही थी। आजकल चल रही है ना थोड़ी ज्यादा ओवरसाइज जींस, वैसी नहीं लग रही थी मेरे को, एकदम परफेक्ट फिट आई है। लेकिन अगर आप 5'8" से नीचे हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ी लंबी रहेगी, इसका ध्यान रखना। मेरे को हमेशा से इश्यूज होते हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी लंबी आए क्योंकि व्हेनेवर आई वेयर हील्स और समथिंग वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो फील मुझे इसमें नहीं मिल पाई है अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड ऑल। बट या दिस इज नॉट स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको अपना करेक्ट साइज ढूंढना बहुत जरूरी है। सो मैं मीडियम वेयर करती हूँ, आई एम इन द साइज 28 इन दिस वन, सो 28 साइज मेरे को बहुत ही परफेक्टली फिट आ गया इसमें, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। बाय द वे ये पैकेट मैंने संभाल के रखा है, कुछ क्लोथिंग आइटम्स मुझे पहले ही रिसीव हो गए थे और कुछ बाकी बक्से में आए हैं बाद में। सो आई रियली लाइक देयर न्यू लोगो एंड द पैकेजिंग। और एक और चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इनकी प्लास्टिक पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लोग ना एक्चुअली पेपर में रैप करके बेचते हैं ड्रेसेस को, विच इज रियली गुड, बस भी इतने प्लास्टिक इकट्ठे हो जाते हैं, ऑल्सो इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट यार। सो आई रियली लाइक देयर न्यू इनिशिएटिव एंड देयर न्यू लोगो टू, इट इज रियली नाइस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टॉप्स पे। तो मैंने 2-3 टॉप मंगाए हैं। सबसे पहला तो ये है जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये पिंक कलर का टॉप, दिस लुक्स रियली रियली नाइस। लेकिन कुछ 1 घंटे से मैंने पहना हुआ है क्योंकि मेकअप किया था उससे पहले मैंने ये टॉप पहना था, तो आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा पिंक पिंक मार्क मेरी बॉडी पे दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ लाइन पे भी एक पिंक लाइन बन चुकी है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा या मेरे को कितना रगड़ना पड़ेगा। और इसके जो ये पिंक फर लगे हुए हैं ना, ये भी निकल निकल के गिर रहे हैं, तो काफी सारे इश्यूज है मुझे इस टॉप के साथ। वैसे देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसको एक बार और पहना है, उस टाइम भी ये काफी अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने ज्यादा टाइम के लिए नहीं पहना था क्योंकि मैंने जस्ट वीडियो शूट करने के लिए पहना था। लेकिन अब जब मैंने इसको 1 घंटे से ज्यादा के लिए पहना है, मैं इसको बाहर पहन के बिल्कुल भी नहीं जा सकती स्पेशली इन समर्स, क्योंकि ये तो
हालत ही बुरी कर देगा यार, मैं पूरी पिंक हो जाऊंगी यहाँ से। सो या, और अब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं अभी इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती, तो मैं आज पहन के ही बैठ गई हूँ इसको। उसके बाद जो मैंने टॉप लिया है ना, वो है ये कॉर्सेट टॉप। इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आप इसमें देख सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छा, क्या बोलेंगे इसको यार, इसमें यहाँ पे काफ़ी सुंदर सी ऐसे लेस बनी हुई है और ये बहुत ही अच्छा फिट देता है मेरे को। पीछे से ये काफ़ी शॉर्ट है, आगे से ये थोड़ा सा ऐसे चोंच जैसी निकली हुई है, इसी को कॉर्सेट बोलते हैं एक्चुअली। सो ये ना आप हाई वेस्ट जीन्स या फिर स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हो। मैंने इसके साथ एक और पैंट्स मंगाई थी जो कि बहुत ही गलत आई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, कि अदरवाइज हम हाई वेस्ट जीन्स के साथ ये डेफिनेटली पेयर कर सकते हैं। आजकल काफ़ी कॉर्सेट्स चल भी रहे हैं ट्रेंड में, सो इसलिए भी मैंने ये वाला मंगाया है। नेक्स्ट टॉप मैंने ये लिया है, आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, एक पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसकी फुल स्लीव्स हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, इसको नॉर्मली ऐसे टॉप की तरह पहन लो और फिर इसको ऐसे ग्लव्स की तरह चढ़ा लो, सो ये एकदम ऐसे लाइन में आ जाता है। इट लुक्स रियली प्रिटी एंड आई रियली लाइक द कलर, मुझे लगता है ये कलर मेरी स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है, सो मैंने इसलिए इसको मंगाया था। एंड इट वॉज प्रिटी अफोर्डेबल ऑल्सो, आई थिंक 522 रुपीज़ समथिंग का ये टॉप मुझे मिला था ऑन अ डिस्काउंट आई गेस, आप स्क्रीनशॉट पे चेक कर लेना। रियली लाइक दिस वन, इसकी क्वालिटी मतलब ओके है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ना, इसमें भी अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे लग नहीं रही है। प्लस इसमें कोई इलास्टिक वगैरह नहीं है, जैसा उन्होंने यहाँ पे ऐसे स्टिच कर रखा है, ये एनीवेज ये इतना टाइट है कि आपके नीचे नहीं खिसकेगा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। सो या, ये मेरे को ओके लगा, इट वॉज नॉट दैट गुड, मतलब पिक्चर में देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने इसलिए इसको मंगाया था, बट इट इज़ ओके इन पर्सन। उसके बाद ना मैंने एक 3-पीस सेट मंगाया है और मेरे को इतना ज़्यादा पसंद था वो, मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो सब पानी में धुल के गायब हो चुकी हैं। सो बेसिकली 3-पीस सेट ये है, सेट है इसका, ये टॉप है और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी पहन लो, वरना आप इसको ऐसे करके एक ब्रालेट टॉप भी बना सकते हो। और मैंने सोचा था कि ऐसा, क्योंकि कुछ बीच आउटफिट टाइप हो जाता। साथ हमें मिला है एक श्रग, और श्रग कुछ ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल भी प्रेस्ड नहीं आए हैं, एकदम धसे मुसे कपड़े होते हैं ना वैसे आए हैं, तो ये एकदम जैसी हालत में आया था वैसी ही हालत में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी लूज सा ऐसे श्रग है जो आजकल चल रहे हैं कॉर्सेट्स ऐसे, हो सकता है मेरी बॉडी टाइप पे नहीं अच्छा लग रहा हो और किसी की बॉडी टाइप पे अच्छा लगे, लेकिन मेरी हाइट भी ज़्यादा है ना, जैसे कि मैंने कहा, तो मेरे को ये पैंट्स भी बहुत शॉर्ट आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट आ रही थी, और ये बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे घर के कपड़े इससे बेटर होते हैं यार पहन के लिटरली। सो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस कॉट सेट से, एंड आई एम रिटर्निंग दिस वन, क्योंकि ये मुझे अभी 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है और मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसको रखा हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जैसा दिखता है ऑनलाइन अक्सर वैसा आता नहीं है, सो इट इज गुड दैट यू रिटर्न इट, आपके पैसे बर्बाद होने से तो अच्छा है कि आप कुछ और ले लो अर्बानिक से, राइट। सो या, ये है वो 3-पीस सेट जो कि मेरे पे अच्छा नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली पिक्चर से काफी सिमिलर है, ऐसा नहीं कहूंगी कि कुछ और भेज दिया था, है चीज़ सेम, लेकिन जस्ट मुझ पे अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद ना मैंने ये पिंक पैंट्स मंगाई थी, वो जो मैंने आपको कॉर्सेट टॉप दिखाया था उसके साथ पेयर करने के लिए। अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगी उसकी, और ये वाली देखो कैसी लग रही है। पहली बात तो ये बिल्कुल भी हाई वेस्ट नहीं है, ये एकदम लो वेस्ट है, आप देख सकते हो इसकी इनसीम कितनी ज़्यादा छोटी है, तो मुझे फोटो ही मिसलीडिंग लगी इसकी बिल्कुल ही। आपको लिटरली ये ऐसे ही पहनना होता है, इसमें कोई इलास्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कि आपको यहाँ से टाई करनी हो, आपको लिटरली यहाँ से डोरी टाई करनी है आपकी कमर के ऊपर से। एंड इसका जो फिट है ना, इतना ज़्यादा अजीब है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये कि मतलब ये क्या स्टाइल है यार, मतलब मेरा स्टाइल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ऐसी स्टाइल की चीज़ें पसंद है या नहीं, मेरे को पसंद है। मैं आजकल एक्चुअली कार्गोज बहुत ट्राई कर रही हूँ और ये कार्गो स्टाइल में ही है जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे से भी ना आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐसे खुला भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसा बंद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। ये मेरे को लेंथ में भी इतनी ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लगी, काफ़ी शॉर्ट थी मेरे को लेंथ में भी, सो इस वजह से भी आई एम रिटर्निंग दिस वन, क्योंकि ये लो वेस्ट है एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग लो वेस्ट। उसके बाद ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मंगाई है, और आजकल ये बहुत चल रही है और मेरा काफ़ी टाइम से लेने का भी मन था, बस मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मैं इसको कैसे पहनूंगी, वो है ये, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो गुड मैन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। इसको ना आप किसी भी डार्क कलर के साथ पेयर करोगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे तो ऑब्वियसली इसे नहीं पहन सकते, इसको आप किसी टॉप के ऊपर ही लेयर कर सकते हो, किसी हाईनेक टॉप पे लेयर करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये एकदम फ्री साइज आता है, तो नो मैटर समर्स है या विंटर्स है, आप इसको किसी भी सीजन में स्टाइल कर सकते हो। सो इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई थिंक अर्बेनिक के पूरे
हॉल में दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। सो या विद दैट अर्बानिक के सारे ही आउटफिट्स खत्म होते हैं। मेरी मिक्स फीलिंग्स है, कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, कुछ मैं रिटर्न कर रही हूँ। सो ये मेरी मिक्स फीलिंग्स थी अर्बानिक के बारे में। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कोई और वेबसाइट है जो आप ट्राई करवाना चाहते हो मुझसे, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। या फिर आप चाहते हो कि मैं अर्बानिक का कुछ और ट्राई करूँ तो मेरे को वो भी बता देना। अगर आपको ये हॉल पसंद आया देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट। आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन Bye-bye and take care of your loved ones. Bye.